celebrating my first Gorbachev with some friends. So let's get ready and get started. At 6 p.m. is the Shub Murat. उनका थाल बहुत ही प्यार लगता है। मैं कहती हूँ ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आज एक मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की व्रत रख रही है, क्या वजूहत है? डेफिनेटली बहुत खूबसूरत दिन है आज, मोहब्बत का दिन है आज। इतना खूबसूरत त्यौहार है जो कि इतनी खुशी से और खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, इंडियन वीजा या जॉब? इंडियन वीजा। क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। दूसरा, मैंने साड़ी ही लेनी है वहाँ से, इंडिया से। यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ पे है, अच्छी है, लेकिन वो एक इंडियन इंडियन साड़ी। लग ही नहीं रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है। मैं फिर वीजा करूंगी कि इंडिया चले सकता है। शायद मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा है जो इस चीज को मानती है और करती है। अब करवा चौथ, इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक। बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है कि मैंने किसके लिए रखा है। इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप, कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल। और इतनी मतलब करवा चौथ की जो ब्यूटी होती है ना, वो अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस करता है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह विदेशी लड़कियां हिंदू मर्दों से शादी करने के बाद करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं। अमेरिका से लेकर भारत, जहां जहां हिंदू महिलाएं रहती हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। विदेशी लड़कियां जिन्होंने हिंदू मर्दों से शादी की है, वो भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है कि इसमें हर रिश्ते को अहमियत दी गई है, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो या पति पत्नी का। भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज परिवार को जोड़ने का काम करते हैं और ऐसे त्योहार इन रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन जो एक प्रेम है, जो एक लगाव है, जो एक अट्रैक्शन है, जो एक जज्बात का कनेक्शन है, वो है। वो हम ड्यूटी में रहे, वो हम वर्दी में रहे, वो हम कोर्टरूम में रहे, वो हम चैम्बर में रहे, वो हम किसी मीटिंग में रहे, किसी कॉन्फ्रेंस में रहे या बॉर्डर पर रहे, हम अपने जो कर्तव्य है रिश्तों के साथ उसको भी हम नहीं भूलेंगे, और जो इस मातृभूमि के लिए जो कर्तव्य है, इस देश की जनता के लिए जो कर्तव्य है, इस देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जो कर्तव्य है, वो भी हम नहीं भूले। बिल्कुल मैम, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक मुस्लिम गर्ल पाकिस्तान में, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी सकती हूँ कि भाई पाकिस्तान में मुस्लिम गर्ल करवा चौथ के व्रत को कवर कर रही है और ये कह रही है कि यार ये कितने ज्यादा खूबसूरत फेस्टिवल है, ये कितने ज्यादा एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटमेंट में आके वो कह रही है कि कितने ज्यादा खूबसूरत है, इनके साथ किस तरह से मतलब मेल जोल करके हिंदू कल्चर को दिखा रही है और ये कह रही है कि भाई ये जो व्रत है ना सिर्फ हिंदू में बल्कि मुस्लिम्स में भी होने चाहिए, ताकि जो है अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा शो करवाई जा सके। देखिए, आपके पाकिस्तान में हिंदू है ही कितने, 20% से तो आप लोग 1% पे ले आए हो, और वो भी बेचारे डिप्राइव्ड हैं, दबे कुचले हैं, बहुत सहमे हुए रहते हैं, अपने फेस्टिवल्स को भी बहुत डर करके मनाते हैं। आप भारत आइए या आप इंडोनेशिया जाइए, अभी तो दुबई चले जाइए, दुबई में भी बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत मतलब लड़कियां दिख रही हैं, औरतें महिलाएं दिख रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है, लग रहा है कि मैं भारत आ गई हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है। देखिए, उसके लिए ना सबसे पहले आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब करवा चौथ मनाया जाता है तो लॉर्ड शिवा और पार्वती गणेशा की के पार्ट को और उनकी पूजा की जाती है। लॉर्ड शिवा के बारे में मैं आपको, जिनको हम महादेव भी कहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा, क्योंकि शायद आपके यहाँ नॉर्मल बुक स्टॉल में भगवत गीता तो खुशियां नहीं मना सकते हम। नहीं, ऐसी नहीं मना सकते, ऐसी मातम जाना है, ऐसी उन्होंने खत्म, उन्होंने बांधे हैं, हम ग्रेनेड बांधेंगे, ग्रेनेड बांधोगे, ब्लास्ट
ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ ना, क्यों ना बुरखा? अरे ये क्या कह रहे हो? मजमा यहां में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां गालियां रचियां पाकिस्तान को फेस करने की ना 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 नहीं तो ये तो फिर दहशतगर्दी वाली बात होगी ना, तो फिर तो हमें और लोग वाली बात क्या मजमा आम में थोड़े कपड़े पा आगे दावत आम देना। उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया की है पाकिस्तान को, तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। इन्होंने अफगानिस्तान को जो का वो मैटर था तब पाकिस्तानियों ने गलती की उनको प्लेटफॉर्म दे के, उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों की जड़ें काटी हैं, तो उनके बारे में तो यूएस से तो बिल्कुल तल्लक खत्म करना चाहिए। हमें कोई विश क्यों नहीं करता, हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए, हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। कहते हैं हिंदुस्तान चांद पे लैंड कर गया, हम दिन ब दिन बड़ी तेजी से जमीन के अंदर धुंस रहे हैं, ठीक है। अब हमें किसी दुश्मन की जरूरत तो है नहीं, आने वाले इंतजाल और जोई मजोई पूरा स्पाइसी होगा और क्लाइमेक्स होगा अच्छे वाला, कोई रक्षाबंधन नहीं, ओनली दुर्घटना स्वाहा। पाकिस्तान को ये छोटे मोटे लाइक की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान एक ब्रांड है। अच्छा ब्रांड है, हाँ जी। तो फिर तो अमेरिका इस ब्रांड को क्यों नहीं मना रहा? ओए अमेरिका, हमारे 14 अगस्त नहीं विश की उन्होंने? पैसा मनी लॉस कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है। किसके ऊपर? ये त्योहारों पे फजूल पे। तरक्की करते हुए चांद पे पहुंच गई, इसीलिए आज उनका छोटा सा भी त्यौहार होता है तो अमेरिका उसको सेलिब्रेट करने में अपनी अच्छी विशेज विश करने में वो प्राउड फील करता है। क्यों मांगते हैं ये लोगों से पैसे जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? हमें भी शर्म आ रही है, आप जो बात कर रही हैं सुनते हुए हमें भी शर्म आ रही है। इंडिया मालदार मुल्क है, देखें माल ऐसे नहीं बनाया जाता, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, उनका कोई एक फील्ड भी देख लें वो बाय लीफ्स एंड बाउंड्स तरक्की कर रहे हैं। हर आदमी की आज ये सोच है कि काश ये ऐसा कोई दिन है मैं पाकिस्तान ही छोड़ दूं। अच्छा, हमारे लिए देखें ये एक मरने वाली बात है, एक कि हम अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं और गैरों की जाके गुलामी करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, किसी वक्त किसी ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग मार रहे हैं ये उन्हीं के पॉलिसी हैं। क्या कह रहे हैं? 15,000 रुपया बिल आ गया, मकान का किराया उन्होंने कितना बिल आया पे, की करिए रोटी खाइए या बच्चे को मार देगी? पूरी दुनिया त्यौहार मना रही है, खुशियां मना रही है। क्या दी खुशियां मना रही? इंडिया के त्यौहार अमेरिका में मनाए जा रहे हैं। ओ कोई भी अल्लाह का नाम सच्चा है।